बच्चों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान की विषय चित्रकला की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। बच्चों, विषय चित्रकला में आपको अध्याय 4 पढ़ाया जा रहा है और अध्याय 4 का नाम या शीर्षक आपने पढ़ा मौर्योत्तर कालीन कला, अर्थात मौर्य काल के बाद आने वाली मंदिर या स्थापत्य कला और मूर्ति कला के विषय में अपन अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व का जो वीडियो था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल का समय काल 322 से 185 ईसा पूर्व तक का रहा था। उसमें अंतिम शासक वृहद्रथ था और वो अंतिम शासक वृहद्रथ है, उसका एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। उस पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ को मार दिया और मारने के बाद स्वयं गद्दी पर बैठकर शुंग साम्राज्य की नींव रखी थी। तो शुंग साम्राज्य की मौर्य काल के बाद शुंग शासन काल आता है। उस शासन काल में मौर्य काल की भांति ही स्तूप, स्तंभ और विहारों का निर्माण करवाया गया और जिन पर बौद्ध धर्माभिलेख या बौद्ध मूर्ति शिल्पों का उत्कीर्णन कार्य करवाया गया, कलात्मक उकेरण कार्य करवाया गया। मैंने उकेरण और उत्कीर्ण का अर्थ आपको बताई दिया, खोदना होता है, खुदाई की गई। स्तूप का मैंने आपको तात्पर्य बताई दिया। वैसे भूगोल के अनुसार मिट्टी के ढेर को स्तूप कहा जाता है और मौर्य काल में किसी महान व्यक्ति के मर जाने के बाद उसकी पवित्र अस्थियों पर गोल गुंबदाकार एक भवन बनाया जाता था जिसको स्तूप कहा जाता था। और स्तंभ मैंने बताया कि स्तंभ वैसे साधारण भाषा में खंभे को स्तंभ कहा जाता है, लेकिन मौर्य काल में और मौर्य काल के उत्तर काल में या उत्तरकालीन कलाओं में स्तंभों को दो प्रकार के पत्थरों से बनाया गया, एक का नाम था लाट और एक का नाम था परगा। लाट वाला नीचे का और परगा वाला भाग ऊपर का बताया मैंने। परगा वाले भाग को मैंने आपको बताया पांच प्रकार की या पांच भागों में विभक्त करके बनाया गया है, अर्थात टुकड़े नहीं कर रखे, पांच डिजाइन कर रखे हैं उसमें। मैंने आपको पांच डिजाइनों में बताया, इकेरी वे द्वारी मेखला, उल्टा कमल या घंटाकृति, कंठा, गोल चौकोर चौकी, शीर्ष भाग पर किसी भी शक्ति के प्रतीक पशु आकार को बनाया गया। ऐसे स्तंभों में आपने मौर्य काल में पढ़ा सारनाथ स्तंभ और सारनाथ स्तंभ के परघा के विषय में पढ़ा जिसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर रखा है और वर्तमान में वह परघा सारनाथ के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। मौर्य काल में आपने देखा चुनार पत्थर के द्वारा मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं और सभी मूर्ति शिल्पों पर जो ऑप की गई है, पॉलिश की गई है, वो कांच जैसी पॉलिश वाले मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं। इन स्तंभों की विशेषता में मैं आपको बताऊं कि ये दो प्रकार के पत्थर, पांच प्रकार के परगाह को पांच भागों में विभक्त करके बनाया गया है। इनको 40 से 50 फीट तक की ऊंचाई में बनाया गया था और कांच जैसी पॉलिश करके इनको बनाया गया। इन पर बहुत धर्माभिलेखों को उत्कीर्ण किया गया था, सार्वजनिक स्थलों पर इनका निर्माण किया गया था। इनके निर्माण के पीछे मनुष्य के दो उद्देश्य रहे थे, एक तो मोक्ष प्राप्ति के लिए किया गया था और एक धर्म प्रचार प्रसार प्रचार प्रसार के लिए इनका निर्माण किया गया था। तो ऐसे ही शुंग काल में भी ऐसे स्तूप और स्तंभों का निर्माण हुआ, लेकिन शुंग काल में जो स्तूप और स्तंभ अपन पढ़ रहे हैं उनमें दो केंद्रों को अपन अध्ययन कर रहे हैं और दो केंद्रों में एक तो है भरहुत और एक है सांची। भरहुत के जो स्तूप पढ़ा है, उस स्तूप में आपने पढ़ा कि भरहुत जो मूल परिवेशनी है, उस मूल परिवेशनी का निर्माण तो कब हो गया था, मौर्य काल में हो गया, लेकिन मौर्य काल के बाद आने वाला समय था उस काल में उसके चारों तरफ परिक्रमा व कलात्मक उत्कीर्णन कार्य किया जिसके कारण उसे शुंगकालीन कला का प्रमुख उदाहरण मानते हैं। और इसमें लोक कला रूपों के आधार पर या लोक रूपों के अनुसार मूर्ति शिल्पों का अंकन किया गया है, इसलिए इसे भरहुत की कला को लोक कला शैली का एक उदाहरण कह सकते हैं। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को जातक कथाओं के रूप में चित्रित किया गया है, मूर्ति शिल्पों को बनाया गया है। जिन जातक कथाओं के विषय में मैंने आपको बताया कि जातक कथा किसे कहते हैं, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की या जन्म जन्मांतर की घटनाओं को जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। ऐसी जातक कथाओं में कुछ जातक कथाओं को आपने पढ़ा इसमें, जैसे छेदंत जातक कथा। मैंने आपको बताया छेदंत जातक कथा क्या है कि एक बार भगवान बुद्ध ने छेदांत वाले हाथी के रूप में जन्म लिया और जब वो छेदांत वाले हाथी के रूप में जन्मे तो उनके हथनी के रूप में दो पत्नियां थीं, एक का नाम सुभद्रा था और एक का नाम क्षुद्र सुभद्रा था। एक समय की बात है कि वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में विचरण कर रहे थे। तो जंगल में जब विचरण कर रहे थे तो वो किसी साल वृक्ष या ताड़ वृक्ष के जाकर टकरा गए और टकराने पर उस वृक्ष
कुछ हरी टहनियाँ और कुछ सूखी टहनियाँ आकर गिरी, जिनमें हरी टहनियाँ तो सुभद्रा नाम की हथनी के ऊपर आके गिरी और क्षुद्र सुभद्रा के ऊपर सूखी टहनियाँ और सूखी टहनियों के साथ लाल चींटियाँ आके गिरी। क्षुद्र सुभद्रा ने जब इस बात को देखा या तो देखने के बाद वो अंदर ही अंदर एक क्रोधा अग्नि में जलने लगी और वो क्रोधा अग्नि उसके सौतन दहा के रूप में जागृत हुई। आगे चलकर वो उस अग्नि में जलती हुई ऐसी स्थिति में पहुंची, मरणासन जैसी स्थिति में पहुंच गई। जब मरणासन स्थिति में पहुंची तो पहुंचने के बाद उसने भगवान से प्रार्थना की कि ईश्वर अब तो मेरी इस जीवन लीला को समाप्त कर दें, लेकिन जब जीवन लीला मेरी समाप्त हो जाए तो मुझे जो अगला जन्म मिले वो जन्म ऐसे राजा के घर राजकुमारी या रानी के रूप में मिले कि मैं ये छह दांत वाले हाथी के घमंड को चूर कर सकूं। ऐसा ही हुआ और क्षुद्र सुभद्रा आगे चलकर इस जीवन लीला के समाप्त हो जाने के बाद एक राजा के घर रानी बनी और रानी बनने के बाद उसने अपने व्याघ्रों या शिकारियों के द्वारा इस छह दांत वाले हाथी के दांत निकलवा लिए और निकलवाने के बाद वो स्वयं मूर्छित हो जाती है। इस तरह के दृश्य का यहाँ अंकन किया गया है, ऐसे दृश्य का मतलब जातक कथा में मूर्तन किया गया है। इसी तरह अपने भरऊत के जो मूर्ति शिल्प हैं उनमें रूरू जातक कथा को पढ़ा, उस रूरू जातक कथा में अपन ने पढ़ा कि एक हिरण है और वो हिरण एक आदमी की जान को बचाता है और वो आप वचनबद्ध होता है कि वो हिरण के बारे में किसी को मत बताना, लेकिन वो जो आदमी था वो आदमी जाकर राजा को बता देता है क्योंकि राजा ने उस पर एक पुरस्कार घोषित कर रखा था। उस पुरस्कार के लोभवश उस आदमी ने उस हिरण का पता बता दिया और वहाँ जाकर उसकी तरफ इशारा करते हुए एक अदृश्य का यहाँ का अंकन किया गया है। इस तरह की कुछ जातक कथाओं में और भी आती हैं, जैसे सीवी जातक कथा। सीवी जातक कथा में क्या है कि ये वैसे तो आपके अजंता गुफा मंदिरों में आप भित्ति चित्र पढ़ेंगे जब जाके आएगा, लेकिन ये भी मूर्ति शिल्पों में भी सांची और भरऊत के मूर्ति शिल्पों में ऐसा उकेरा गया है। इसमें राजा सीवी होता है और राजा सीवी बहुत दानी होता है, उसकी दानता का बखान पूरे राज्य में फैला होता है। तो उसकी दानता की परीक्षा लेने के लिए वहाँ इंद्रदेव और अग्निदेव या कामदेव आए थे, जिनमें एक बाज पक्षी बनकर आया और एक कबूतर बनकर आया। बाज पक्षी कबूतर पक्षी को खाने के लिए दौड़ता है और कबूतर पक्षी घबराकर राजा सीवी के चरणों में जा गिरता है। राजा सीवी ने अपने चरणों में जब पक्षी को देखा तो देखने के बाद उसकी जान बचाने के लिए उसने क्या किया, बाज पक्षी के समान अपने शरीर से मांस निकालकर बाज की भूख को शांत करने के लिए तैयार होता है। इस तरह के दृश्य का यहाँ अंकन किया गया है, मतलब जातक कथा में बताया गया है। इसी तरह की एक श्याम जातक कथा है, जो श्याम जातक कथा राजा दशरथ की जैसी कथा है, जिसमें श्रवण कुमार जैसी कहानी बताई गई है कि उसमें श्याम वर्ण का एक राजकुमार होता है और वो राजकुमार के अंधे माता पिता होते हैं। वो अंधे माता पिता को तीर्थ करवाने ले जाता है और किसी जंगल में जाकर उसके माता पिता को प्यास लगती है। प्यास लगने पर वो अंधे माता पिता को किसी वृक्ष की छाया में बिठाकर और सरयू नदी के किनारे या नदी के किनारे पानी लेने के लिए पहुँचता है। उस नदी के दूसरे किनारे पर कोई राजपूत राजा आखेट करता हुआ घूम रहा था। जैसे ही वो जो राजकुमार था उस राजकुमार ने पानी के पात्र को दिया तो उसकी आवाज़ आई और आवाज़ आने पर उस राजपूत राजा ने उसके ऊपर तीर छोड़ दिया, शब्द भेदी तीर छोड़ दिया और उस राजकुमार के प्राण पखेर उड़ गए। इस तरह की श्याम वर्ण के राजकुमार की घटना का अंकन किया गया है। लेकिन इस श्याम वर्ण की घटना में क्या होता है कि श्याम वर्ण का राजकुमार जीवित हो जाता है और वो श्रवण कुमार वाली घटना में श्रवण कुमार नाम का राजकुमार जीवित नहीं होता है। इस तरह की जातक कथाओं का यहाँ मतलब अंकन किया गया है। तो ऐसी कुछ जातक कथाएँ भगवान बुद्ध से संबंधित, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएँ हैं जो मूर्ति शिल्पों के रूप में भरऊत और सांची के स्तूप पर उत्कीर्ण की गई हैं। अब तक जो अपन पढ़ रहे हैं उनमें भगवान बुद्ध के जो मूर्ति शिल्प पढ़ रहे हैं वो भगवान बुद्ध के मूर्ति शिल्पों में प्रतीक रूपों का ही अपन अंकन पढ़ रहे हैं। अब तक भगवान बुद्ध के मानव रूप में मूर्तन नहीं हुआ है,
इस तरह के मूर्ति शिल्पों का अपन पढ़ते चल रहे हैं। तो सांची का स्तूप इसका दूसरा, मैंने कल के वीडियो में बताया सांची स्तूप वैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट विदिशा नगरी के पास स्थित है, जिसके चारों दिशाओं में चार तोरण द्वार बनाए गए हैं, जिसकी मूल परिवेशनी का निर्माण वैसे सम्राट अशोक मौर्य काल में हो गया था, लेकिन इस पर कलात्मक उकिरण कार्य या परिक्रमा और तोरण द्वारों का निर्माण सुंग काल में होने के कारण इसे सुंगकालीन कला का प्रमुख उदाहरण मानते हैं। मूर्तिकला के विकास के अगले चरण को सांची के स्तूप फर्स्ट एक नंबर मथुरा और आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले के वेगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। आंध्र प्रदेश गंटूर में भी एक अमरावती का स्तूप पढ़ेंगे अपन। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची के स्तूप एक में ऊपर और नीचे दो प्रदक्षिणा पथ बने हुए हैं। प्रदक्षिणा पथ का मतलब होता है परिक्रमा बनी हुई है। इसके चार तोरण द्वार हैं, मैंने आपको बताया चारों दिशाओं में चार तोरण द्वार बनाए गए हैं। तोरण द्वार किसे कहते हैं आपको नोट कर लेना है, यहाँ तोरण द्वार किसे कहते हैं, स्वागत के लिए सुसज्जित कर बनाए गए द्वारों को तोरण द्वार कहा जाता है, जो सुंदरता से सजे हुए हैं। इन तोरण द्वारों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। अर्थात ये तोरण द्वारों पर आपको प्रश्न बन सकता है आपका यहाँ पर कि तोरण द्वारों पर सांची स्तूप के तोरण द्वारों पर कौन से मूर्तिशिल्प बने हुए हैं, तो बुद्ध के जीवन की घटनाओं जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार है, मतलब मैंने आपको बताया था सांची स्तूप और भरहुंत की प्रतिमाओं में अंतर है। भरहुंत में सपाटपन लिए हुए है और इसमें गोलाई गहराई को लिए हुए बनाया गया है, यथार्थता के नज़दीक है इसके अंदर, और संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ है। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है और शरीर के अंग प्रतंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई देती। सिर काफ़ी उठे हुए हैं, बाहरी रेखाओं की कठोरता कम हो गई है, मतलब बाहरी रेखाओं की कठोरता नम्यता कम हो गई है। आकृतियों को गति दे दी गई है, आख्यान में विस्तार आ गया है। उकेरने की तकनीक के भरहुंत की तुलना में मतलब सुथरापन या कह सकते हैं अच्छा उभारदार आ गया है। देखो ये स्तूप होते हैं इस तरह के, इसको ऊपर ही ऊपर जो छतरी कहलाती है ये हैं, इसको हर्मिक कहा जाता है, ऐसी जगह को हर्मिक कहा जाता है हैं। इस तरह के प्रदक्षिणा पथ होते हैं, ये परिक्रमा जैसा होता है, ये परिक्रमा, ये अंड भाग होता है इसको, ये गोलाई रूप होता है ना, ये मेधी कहते हैं इसको, मेधी, ये वेदिका होती है, मुख्य जो धरातल होता है वो तोरण द्वार, ये द्वारों को तोरण द्वार कहा जाता है। इस तरह के स्तूप होते हैं में अधिक उन्नत प्रतीत होती है। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, मैंने अभी आपको बताई दिया अब तक जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई जा रही हैं वो प्रतीक रूप में बनाई जा रही हैं हैं, अब भी जारी रहा। सांची के स्तूप एक में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिए गए हैं, अर्थात जो पौराणिक आख्यान या दृश्य बनाए गए हैं वो अधिक विस्तृत कर दिए गए हैं, किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी अवस्था में या में भगवान बुद्ध के मतलब माया देवी है उसको क्या किया है गर्भ धारण करते हुए चित्रित किया गया है, अब उसमें क्या है स्वप्न में है वो, और ऊपर से उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिल वस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा राम ग्राम स्तूप के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में भी ऐसी विशेषता पाई जाती हैं, हालांकि उनके रूपाकृति यानी अंग प्रत्यंगों के प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर है। ठीक है भाई, इस तरह के सांची स्तूप को पढ़ा और सांची स्तूप के बाद जो आने वाली है कला उसमें मथुरा और सारनाथ संग्रहालय गंधार है, अर्थात मथुरा सारनाथ और गंधार। वैसे यहाँ ये तीनों जो केंद्र हैं वो दिन में से मथुरा और सारनाथ है, ये वैसे गंधार है, ये कुषाण काल आ जाता है वैसे यहाँ पर आकर, मतलब मौर्योत्तरकालीन कला पढ़ रहे हैं अपन। मौर्योत्तरकालीन कला का मतलब है मौर्य काल से आगे आने वाली कला। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जैसे मूर्तिकला में अपन पढ़ते हैं सिंधुघाट सभ्यता, सिंधुघाट सभ्यता के बाद मौर्य काल, मौर्य काल के बाद सुंगकाल, सुंगकाल के बाद कुषाण काल, कुषाण काल के बाद गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद क्या पढ़ते हैं मध्य काल,
इस तरह मध्य काल के बाद आधुनिक काल को पढ़ते हैं, इस तरह काल आ रहा है। तो ये मौर्योत्तरकालीन कला एक ही पाठ के अंदर देने के कारण ये गंधार, मथुरा और सारनाथ ये तीन केंद्र हैं, और ये तीनों केंद्र कौन से हैं, कुषाण काल के केंद्र हैं। लेकिन इसमें मौर्योत्तरकालीन कला देने के कारण इसे अलग काल के रूप में नहीं पढ़कर अपने इस केंद्र के रूप में पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है भाई। मथुरा सारनाथ और गंधार, तो मथुरा सारनाथ और गंधार से जो मूर्ति शिल्प या वहाँ के जो मूर्ति शिल्प उन मूर्ति शिल्पों के विषय में पढ़ रहे हैं अपन। ईसा की पहली शताब्दी में और उसके बाद उत्तर भारत में गंधार, अब पाकिस्तान, मतलब गंधार क्षेत्र में के आसपास जिस कला शैली का विकास हुआ था उसे गंधार शैली के नाम से जाना गया, और मथुरा क्षेत्र के आसपास जिस कला शैली का विकास हुआ था उसे मथुरा शैली के नाम से जाना गया था, ठीक है भाई। वह मथुरा और दक्षिण भारत में वेगी आंध्र प्रदेश कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। मथुरा और गंधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिल गया। अब यहाँ पर क्या है, मथुरा और गंधार शैली है, इस शैली के अंदर जाकर अब तक अपन ने बुद्ध के जो मूर्ति शिल्प पढ़े ना वो प्रतीक रूप में पढ़े, लेकिन यहाँ जाकर क्या हो जाता है, अब यहाँ प्रश्न बनता है कि कौन सी शैली में जाकर भगवान बुद्ध को मानव रूप में बनाना शुरू कर दिया। तो मथुरा और गंधार शैली में जाकर क्या बन गया, मानव रूप में बनाना शुरू कर दिया था। तो ये कुषाण काल का प्रमुख केंद्र थे। गंधार की मूर्तिकला की परंपरा में बैक्टीरिया, पार्थिया और स्वयं गंधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। मतलब गंधार शैली को मतलब ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक और ग्रीको बैक्टीरियन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों पर इस कला शैली का विकास हो गया था और इनमें ये क्षेत्रों का परंपरा का संगम हो गया था। मथुरा की मूर्तिकला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि वह उत्तरी भारत के अन्य भागों में भी फैल गई। मतलब अब यहाँ पर क्या है, गंधार शैली में जो मूर्ति शिल्प बनाए जा रहे हैं वो सलेटी पाषाण के बनेंगे, और जो मथुरा में बनाए जा रहे हैं वो सफ़ेद चित्तियों वाले लाल बलुए पत्थर में बनेंगे। ये गंधार का स्थानीय पाषाण है, लेकिन मथुरा में भरतपुर के निकट या भरतपुर के खदानों से जो प्राप्त हुए पत्थर, उन पत्थरों से मूर्ति शिल्पों का निर्माण हुआ है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण पंजाब में संघोल स्थल पर पाई गई स्तूप की मूर्तियाँ, मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएँ, यक्षों की आरंभिक मूर्तियाँ जैसी बनी हैं, लेकिन गंधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषता पाई गई है। मतलब यूनानी शैली का प्रभाव गंधार शैली के मूर्ति शिल्पों में देखने को मिलता है। यहाँ का जो बुद्ध की मूर्ति है वो यूनान के देवता अपोलो के समान गोल अंडाकार चेहरे में बनाई गई हैं। हैं मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थकरों और सम्राटों विशेषकर कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्तियाँ एवं चित्र भी पाए गए हैं। वैष्णव प्रतिमाएँ मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं, जो वैष्णव प्रतिमाएं होती हैं उनमें क्या पाए गए हैं, विष्णु और विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं, उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं पाई गई हैं। और शैव प्रतिमाएं मुख्य रूप से उनके लिंगों और मुखलिंगों की प्रतिमाएं, शैव मतलब शिवलिंग या शैव धर्म को जो शिव को मानने वाले हैं उनको शैव धर्म कहा जाता है। तो ऐसी प्रतिमाएँ भी पाई गई हैं, मथुरा में पाई गई हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएँ अधिक पाई गई हैं। मतलब इनमें शैव और वैष्णव मूर्तियों के बजाय बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक पाई गई हैं। ध्यान रहे कि विष्णु और शिव की प्रतिमाएं उनके आयुधों, चक्र और त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई हैं। बड़ी प्रतिमाओं के उत्कीर्णन में विशालता दिखाई गई है, आकृतियों का विस्तार चित्र की परिधि से बाहर दिखाया गया है, चेहरे गोल हैं, उन पर मुस्कान दर्शाई गई है, मूर्तियों के आयतन का भारीपन कम कर दिया गया है, उनमें मांसल दिखाई देती है, मांसलता दिखाई देती है। मांसलता का तात्पर्य है हस्तपुष्टता, मोटे बनाए गए हैं आकृतियों को। शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं और वे बाएं कंधे को ढके हुए हैं, अर्थात जो भी मूर्ति शिल्प प्राप्त हुए हैं उन मूर्ति शिल्पों में जो वस्त्र दिखाई देते हैं उन वस्त्रों में जैसे कंबल नुमा वस्त्र होता है, दुसाला उड़ा होता है या शॉल होता है, उसे बाएं कंधे पर होकर डाल रखा है, दाएं कंधा खुला हुआ छोड़ दिया गया है। इस तरह की इनकी विशेषताएं पाई गई हैं। इस काल में बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव, वैष्णव देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में बनाई गई। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं में विषयाशक्ति केंद्रीकृता आ गई और गोलाई बढ़ गई, वे अधिक मांसल हो गई। अर्थात यहाँ पर क्या है, जो मथुरा शैली के मूर्ति शिल्प हैं वो मथुरा शैली के मूर्ति शिल्प अधिक यथार्थ बनाने लग गए, जिनमें गोलाई, गहराई, छाया, प्रकाश और वस्त्रों की सलवटों को तक को दर्शाया जाने लग गया था। ईसा की चौथी शताब्दी में भी यह प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में विशालता और मांसलता में और कमी कर दी गई और मांसलता में अधिक कसाव आ गया, इनमें कम ओढ़े गए वस्त्रों को दर्शाया गया। इसके बाद ईसा की पांचवी और छठी शताब्दी में वस्त्रों को
वस्त्रों की पारदृश्यता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, अर्थात जो सारनाथ वो मथुरा के मूर्ति शिल्प हैं उन मथुरा के मूर्ति शिल्पों में आगे चलकर क्या कर दिया, जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों में पारदर्शितापन आ गई थी, अर्थात पारदर्शी वस्त्र बनाए गए हैं जिनका उल्लेख करना जरूरी है। मूर्तिकला का परंपरागत केंद्र मथुरा तो कला के उत्पादन का मुख्य केंद्र बना ही रहा, उसके साथ ही सारनाथ कौसाम्बी भी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर आए। मतलब ये अन्य केंद्र उभर गए, कौन कौन से हैं, सारनाथ और कौसाम्बी मथुरा के अलावा। सारनाथ में पाई जाने वाली बुद्ध प्रतिमाओं में दोनों कंधों को वस्त्रों से ढका हुआ दिखाया गया। अब यहाँ जो सारनाथ में जो बुद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं वो पदासन पर बैठी हुई प्राप्त गई हैं, अर्थात आलती पालती लगाए हुए बनाई गई हैं। वस्त्रों को मतलब ये संगठित सी है, इस तरह को धारण किया नहीं, वस्त्र धारण किए हुए बनाया गया है। सिर के बालों को मूर्धन्य में बंधा हुआ बनाया गया है, सिर के पीछे प्रभामंडल बनाया गया है देवत्व के भाव को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से है। हाथों को वर्ध मुद्रा और अभय मुद्रा के अंदर बनाया गया है। सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है जिसमें अलंकरण सजावट बहुत कम किया गया हुआ है, जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई हैं, मतलब कई परत दिखाई गई हैं, और सिर के चारों ओर के आभा मंडल को अत्यधिक सजावटी बना दिया गया है। इन आरंभिक प्रतिमाओं की विशेषताओं का ध्यान करने के लिए इन्हें मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि के संग्रहालयों में देखा जा सकता है। मतलब इनकी विशेषताओं को पहचानने की दृष्टि से ऐसे संग्रहालयों पर इनको सुरक्षित रख दिया गया है। गंगा की घाटी से बाहर के स्थलों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक गुजरात में देव नीमोरी का स्तूप है। पर्वती शताब्दियों में बहुत कम बदलाव आया, अलबत्ता प्रतिमाएं छरहरे या पतले रूप में दिखाई गई हैं, आगे चलकर छरहरे और पतले शरीर के रूप में बनने लग गए थे। वस्त्रों को पारदर्शिता प्रमुखता से बनाई जा गई थी, जो सौंदर्य अनुभूति बनी रही थी उनमें। इसके बाद मूर्ति शिल्पों को पढ़ा अपने, मैंने आपको बताया मौर्य काल के बाद में कौन सा सुंकाल, सुंकाल के बाद बताया कुषाण काल, और मौर्य काल में तो अपन ने पढ़ा कौन सा, एक तो सारनाथ का क्या नाम से सारनाथ स्तंभ के परघाव को पढ़ा, एक चंवर गिरणी प्रतिमा पढ़ी और एक यक्ष की मूर्ति को पढ़ी। उसके बाद अपन ने सुंकाल में पढ़ा, तो सुंकाल में पढ़ा कौन सी, सांची और बरहमत दोनों केंद्रों को पढ़ा, और उसके बाद कुषाण काल के जो केंद्र हैं उन कुषाण काल के केंद्रों में मतलब मौर्य उत्तरकालीन कला में कुषाण काल के केंद्रों में अपन तीन केंद्रों का अध्ययन कर रहे हैं, कौन कौन से, एक तो सारनाथ, एक मथुरा और एक गांधार, ठीक है। इसके बाद दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक आते हैं, इन बौद्ध स्मारकों को अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही। तो बच्चों आपको इस तरह पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है कि प्रतिमा किसे कहते हैं, जैसे प्रतिमा देवताओं से संबंधित जो मूर्तियां होती हैं उन्हें प्रतिमा कहते हैं, और साधारण मनुष्य से संबंधित होती हैं उन्हें मूर्तियां कहा जाता है। स्तूप बताया आपको किस तरह के किसे कहा जाता है, स्तूप मैंने बता दिया, वैसे तो भूगोल के अनुसार मिट्टी के ढेर को स्तूप कहा जाता है, और वैसे किसी महान व्यक्ति के मर जाने के बाद पवित्र अस्थियों पर गोल गुम्बदाकार भवन बनाया जाता उसे स्तूप कहा गया। अब इनमें आपको ऐसे छोटे पॉइंटों को, महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को ध्यान में रखकर पाठ के अंत में जाकर आपको नोट्स के रूप में लिखकर याद करना है। धन्यवाद।